हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे जुलाई 2013 के पेपर सेकंड का हिंदी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ हम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ हमें देखना होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या। तो सेकंड पैरा में देखिए, कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, बच्चों को जानकारी देना, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, ये भी शिक्षा नहीं होती। बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ये भी शिक्षा नहीं है। तो बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, इसे हम कह सकते हैं शिक्षा है। और ये दूसरे शब्दों में दिया हुआ है, गद्यांश में दिया है, सोई हुई शक्तियों को जगाना। मतलब बच्चे में वो शक्तियाँ पहले से ही होती हैं, शिक्षा सिर्फ उन्हें बाहर लाती है, जगाती है उसकी जो भी शक्तियाँ होती हैं बच्चे में। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समान रूप से कभी प्रतिभाशाली नहीं होते हैं बच्चे। हर किसी में अलग अलग प्रतिभा होती है, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अलग अलग प्रतिभा होती है सभी में। बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। उनमें अंदर से ही प्रतिभाएँ होती हैं जो सिर्फ शिक्षा के द्वारा जगाई जाती हैं। तो सेकंड इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? देखेंगे हम, सेकंड पैरा में ही देख लेते हैं। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ लें। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। सुषुप्त होती हैं मतलब सोई हुई प्रतिभाएं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, मतलब उनका क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग वर्गों में उन्हें बांटना। तो सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें, उसको हम पहले पढ़ें, हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है और उसकी प्रतिभा क्या है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होता, ये गलत होगा। अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं सभी में, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। शक्तियां सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो शिक्षा का इसमें कौन सा सिद्धांत निहित है, ये हमसे पूछा है गद्यांश के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ये हमें पहले पैरा में मिलेगा। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और
कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अनभणियो शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अनपढ़ है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में ऐसा कुछ। हाँ, ये हमने देखा था फोर्थ ऑप्शन है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है शिक्षा, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शिक्षा का ये सिद्धांत इनके अकॉर्डिंग है, इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, कर्ता मतलब जो करने वाला है, इसका ये पहचाने क्रिया दी हुई है, इसका कर्ता क्या हो सकता है, तो इसके लिए होगा कर्ता हम। हम हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रश्नवाचक वाक्य होगा ये, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क भी है, होता है, तो वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, तो प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने का सबसे ईजी तरीका मैंने बताया था, मूल शब्द से प्रत्यय उपसर्ग को अलग करें, तो शरीर इसमें मूल शब्द है, तो शरीर मूल शब्द में एक प्रत्यय लगेगा, तो क्या होगा शारीरिक, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि एक मतलब ये छोटे ई की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा शारीरिक। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान हैं, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। देख लेते हैं पैराग्राफ में। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था, उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन का, जीवन की शिक्षा का सार है, तब फिर हमें भी यह मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है, तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है, मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में अंतर है। साक्षर होना मतलब आपको पढ़ना लिखना आ गया, आपको लिखना पढ़ना जान गए, तो वो होता है साक्षर होना। लेकिन शिक्षित होना, शिक्षित होने का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, कि हमारी जो भी कैपेबिलिटी है वो हम पहचाने, वो होता है शिक्षित होना। तो साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है, तो समान नहीं होता। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है अशिक्षित होना, मतलब जो इंसान साक्षर है या पढ़ा लिखा है, मान लीजिए उसने डिग्री ले ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षित होगा। तो इन्होंने कहा है पढ़ा लिखा अनपढ़ होता है, तो इसका मतलब हुआ अशिक्षित होना। नेक्स्ट है पोयम पर आधारित क्वेश्चंस, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। गिरे विचार से तात्पर्य है, तो द
दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो गिरे विचार से मतलब होगा सत्य और हित से परे विचार, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, तो इसमें होगा सुराज स्थापित करना चाहता था। पोयम को देख लेंगे तो इसमें देख सकते हैं आप, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, तो पाप उजाड़ा उसने अग्निबाण से, कुछ इस तरह से है वो, इसका मतलब यही है कि स्थापना मतलब जहाँ पर पाप या पाप का नामो निशान ना हो, असत्य के लिए जगह ना हो, बुराई के लिए कोई जगह ना हो, तो वो होता है सुराज स्थापित करना। तो इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुराव शब्द से तात्पर्य है सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था। सत्य से जहाँ जहाँ दुराव से मतलब है सत्य जहाँ पर नहीं था, दुराव मतलब जहाँ बैर था, बैर मतलब होता है दुश्मनी, तो जहाँ जहाँ सत्य नहीं था, इसका ये मतलब होगा इस लाइन का। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बैर। जहाँ जहाँ शब्द है, तो जहाँ जहाँ दो बार आया है इसमें, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुनरुक्त शब्द युग में जब एक ही शब्द रिपीट होता है, दो बार आता है, तो उनको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द युग में, और ये एक साथ आते हैं इस तरह से, तो उनको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द युग। पाप का विलोम शब्द, तो ये तो बहुत इजी है, पुण्य हो जाएगा। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, तो नौजवान शहीद ने नष्ट किया अहंकार और असत्य को। इसमें देख लेते हैं पोयम में भी, दंभ कहा जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ पर अहंकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है सिर्फ सत्य की बात, तो उसने असत्य को नष्ट किया, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं पैडागोजी सेक्शन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे, क्या ज़रूरी है, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो कहानी कविता जो भी ये चीज़ें होती हैं, इनके लिए ज़रूरी है वो उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, जो उनके आसपास की दुनिया है वो उससे जुड़ी हुई हो, उससे वो संबंधित हो, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो जहाँ भी अनुभव की बात आती है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरह की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, यही मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर का इंसान कोई और लैंग्वेज बोले, तो वो एक तरह से आप समझ नहीं पाएंगे उसकी भाषा को, तो इसका मतलब यही है कि विदेशी की तरह होता है, मतलब वो जो बोलता है अपनी भाषा में उसे बड़े समझ नहीं पाते हैं सही से। भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बात आए, अनेक संदर्भों की बात आए, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और इसमें चिंतन विकास की भी बात हुई है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है।
तो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। जो भी विषय हम पढ़ते हैं वो उनके सहारे हम लैंग्वेज को सीखते हैं, जो भी लैंग्वेज होती है उनकी अलग अलग शब्दावली को हम सीखते हैं, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या फिर हिंदी हो, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो मतलब एक तरह से भाषा शिक्षण का काम करेगा, भाषा सीखने का काम करेगा। भारत में कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, सभी कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या है? सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तो जहाँ भी अनेक प्रकारों की बात हो, विभिन्न प्रकारों की बात हो, साहित्य विधाएं होती हैं जैसे कि कहानी, कविता, गद्य, पद्य, तो इस तरह की साहित्यिक विधाओं से परिचित हो सकें बच्चे, तो इसीलिए इनको शामिल किया जाता है। रश्मि अपनी कक्षा के बाहर मैदान में ले जाती है, अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, तो रश्मि का क्या उद्देश्य है बच्चों को मैदान में ले जाने के पीछे? तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। तो वो जब प्रैक्टिकली देखेंगे चीज़ों को तो तब कविता को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, तो आकलन के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए देख लेते हैं। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना और आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, तो ये बिल्कुल गलत हैं। सहेज कर रखने का कोई फायदा नहीं होता है। तो आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना कि किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हुई है और क्या करने की ज़रूरत है आगे, तो ये सही रहेगा। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या है? ये है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, तो बहुभाषिकता को ही बढ़ावा देता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, प्रत्यक्ष विधि में क्या है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष विधि होती है जब हम किसी लैंग्वेज को डायरेक्ट ही सीखते हैं, किसी और भाषा के थ्रू नहीं सीखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अनुभव की जब भी बात हो, आकलन के लिए भाषा के आकलन की बात हो या रचनात्मक आकलन की बात हो, तो अनुभव ही सही होगा, जो अनुभव से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वही सही रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है बच्चों के, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो फ़ायदा करेगी उनके आकलन में, या भाषा का आकलन करें या फिर रचनात्मक आकलन करें। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें तो लेखक ने पहाड़ों पर होने वाले बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो जब अपना अनुभव लिखेंगे वो,
तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे भाषा का डेवलपमेंट होगा, नए नए वो शब्दों का चुनाव करेंगे, नए नए वाक्य बनाएंगे, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा और वो है भाषा अर्जन क्षमता, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करेंगे, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, वो किस क्या उनकी एबिलिटी है, किस लेवल तक वो जो भी है भाषा बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जितना भी उनकी क्षमता है और जिस सीमा तक वो कर सकते हैं उसका ध्यान में रखकर ही आकलन करना चाहिए। ये नहीं कि आप नॉर्मल बच्चे की तरह ही उनका आकलन कर रहे हैं। विशेष बच्चे होते हैं जैसे जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उसमें भी वो विशेष बच्चों में आ जाते हैं, और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो भी विशेष में ही आते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।